दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होंडा की सिटी है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस CNG कार है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाड़ी अभी चालू है, AC ऑफ रखा हूँ। इसका मैं आज डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका हीटर कॉइल जो है ना लीक हो गया है। यानी डैशबोर्ड के अंदर जो फिट रहता है, इस साइड रहता है हीटर कॉइल, तो इसका लीक हो गया है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। हीटर कॉइल रिप्लेस करने वाले हैं। तो रिप्लेस क्यों करने हैं, क्योंकि लीक हो गया। लीक होकर के कूलेंट अंदर से निकल जाता था। तो मैं अभी आपको यहाँ से कूलेंट दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि बट बाहर से कैंसिल कर चुका है हीटर कॉइल। तो उसके लिए मेरे को वापस से फिटिंग करना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ खोल के ही आपको दिखाऊंगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा मेरे को, तो वो सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड खोलने के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बैटरी का वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे, बैटरी की वायर निकाल दिया हूँ और मैं स्टीयरिंग लॉक कर दिया हूँ। तो सबसे पहले मैं कंसोल बॉक्स खोलूंगा। कंसोल बॉक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ 2-8 नंबर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद पीछे का जो ये देख रहे हैं, इसको खोलना पड़ेगा। ये वाला खोल के 2 स्क्रू रहेगा, खोल देंगे ये इजीली पूरा ऊपर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हैंडल है पूरा। तो आगे स्क्रू रहेगा, ये क्लिप दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्लिप खोलता हूँ मैं, फिर खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इधर का दोनों का साइड का खोल दिया हूँ। और ये वाला पहले सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये वाला जो है पट्टी, ये खींच के निकल गया इजीली। उसके बाद ये खोल देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, 8 नंबर यहाँ एक दिया हुआ है। तो ये 8 नंबर खोलता हूँ, खोल के फिर ये पूरा पैन है, पूरा सेटअप मेरा निकल जाएगा। तो चलो खोलता हूँ, फिर खोल के आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली पूरा खुल चुका। मैं इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ, होल्ड करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली मैं पीछे ले लिया हूँ। और ये जो डक्ट में देख रहे हैं आप, ये एक क्लिप एक यहाँ, 2 क्लिप दिया हुआ है और एक क्लिप यहाँ दिया हुआ है। तो तीनों क्लिप खोल के मैं इसको पीछे ले लेता हूँ, तो फिर आगे दिखाता हूँ आपको। ताकि देख पा रहे हैं, क्लिप इधर का दोनों का खोल दिया हूँ। अब ये इजीली पूरा निकल जाएगा मेरा। तो एक क्लिप इस साइड भी दिया है, लेकिन निकाला नहीं है। इसको निकाल के फिर आगे मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भी क्लिप निकल चुकी। अभी अपना क्लिप पूरा बाहर आ जाएगा। ताकि देख पा रहे हैं, बाहर आ चुका आपने। तो मैं पीछे होल्ड कर दिया। अब देखो मेरे को क्या क्या खोलने की ज़रूरत पड़ता है। तो मैं खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। एक गियर बॉक्स को पलटी मार दूंगा मैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली 4-10 नंबर बोल्ट था इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों खोल दिया हूँ, ये इजीली पलटी हो गया। जैसा कि देख पा रहे हैं, यही है गियर बॉक्स का सेटअप, जो कि ऑटोमेटिक गियर है। तो चलो फिर बाकी आगे का मैं खोलता हूँ, धीरे धीरे खोल के फिर दिखाता हूँ। तो चलो फिर खोलने के लिए लगते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली मेरा डैशबोर्ड पूरा सब खोल दिया हूँ। तो क्या क्या मैं खोला हूँ, वो सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले गियर बॉक्स खोल के पलटी मार दिया हूँ, जैसा कि देख पा रहे, इधर होल्ड कर दिया हूँ। उसके बाद इधर की जितनी भी सॉकेट है, ब्लोड की, उसके बाद आउटसाइड एयर की, ये वाली मोटर की, हीटर मोटर की, एक्चुएटर मोटर की, उसके बाद रेजिस्टेंट की, सेंसर की, सब निकाल दिया हूँ। उसके बाद ये वाली साइड जो है, ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा आपको। ये सब जितनी सारी सॉकेट है सब निकालना पड़ेगा। यहाँ एयरबैग की सॉकेट है। उसके बाद इधर 2-12 नंबर दिया है, वो दोनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये पैनल तो खोल दिया हूँ, बाकी इस साइड दिखा देता हूँ आपको। ये वाली दोनों 12 नंबर खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये सब सॉकेट खोलना पड़ेगा, ये फ्यूज बॉक्स की सॉकेट। और स्टेयरिंग कॉलम को नीचे ले लिया हूँ, ये वाली पट्टी रहती है यहाँ, ऐसा रहता है। ये 3-12 नंबर रहेगा, इसमें तीनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये 10 नंबर यहाँ रहेगा, ये खोलना पड़ेगा। बाहर से तो कुछ दिया हुआ नहीं रहता है इसको, इसकी वजह से यहाँ दिया हुआ रहता है। एक मैं देख रहे हैं, यहाँ दिया रहेगा 10 नंबर एक, और एक यहाँ दिया रहेगा, ये जो देख रहे हैं आप। ये दोनों खोलेंगे, क्योंकि इसको बाहर से कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, इसकी वजह से अंदर से ही दिया है सब। तो ये सब खोलने के बाद अपना डैशबोर्ड इजीली बाहर आ जाएगा। बाकी सब मैं खोल चुका हूँ, जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया हूँ।
यही सब खोलना पड़ेगा अपने को। तो हीटर कॉइल रिप्लेस करना है, इसकी वजह से डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर कूलिंग कॉइल खोलने की ज़रूरत रिप्लेस करने की रहती तो इधर से ही खुल जाता है कूलिंग कॉइल। तो चलो फिर मैं डैशबोर्ड को पलटी मारता हूँ। बाहर से तो कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं अभी, क्योंकि जब क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट डैशबोर्ड निकलने के बाद क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट खोलेंगे तभी मेरे को हीटर का पाइप और एक्सपेंशन वाल्व के पास का जॉइंट खोलना पड़ेगा। तो चलो फिर जब तक मैं डैशबोर्ड को पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड अपनी खुल चुकी है और ये रही क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें भी बाहर से कुछ नहीं दिया है, सब अंदर से ही दिया है। ये रही एक 10 नंबर यहाँ और नीचे रहेगा, इस साइड रहेगा। तो ये सब कुछ खोलता हूँ, खोल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं डैशबोर्ड खोल के ये भी खोल दिया हूँ मैं, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी निकाल दिया हूँ। अंदर का जितना भी बोल्ट सब खोल चुका हूँ, देख पा रहे हैं निकल चुका। तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हीटर कॉइल, क्योंकि यही खोलना पड़ेगा सिर्फ। लेकिन इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, चलो बाहर लेकर फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट और ये रही नया वाला हीटर कॉइल, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर आज निकाल दिया हूँ। तो चलो फिर मेरे को कुछ खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये वाला पोर्शन खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रू रहेगी, हीटर कॉइल इधर ही दिया है साइड में। तो चलो खोलता हूँ फिर, खोल के आगे दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये फाइनली खोल दिया हूँ, मेरे को यहाँ का ये खोलना पड़ेगा, लॉक दिया है, ये भी खुल चुका। और ये इजीली हीटर कॉइल मेरा बाहर आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं बाहर आ चुका। और ये रही नया वाला। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। हीटर कॉइल देख लीजिए कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे फाइनली फिट हो चुका है हीटर कॉइल नया वाला। तो चलो फिर मैं इसको अब गाड़ी में फिटिंग करता हूँ, चलो गाड़ी में लेके जाता हूँ और फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली सब फिट हो चुका है, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट भी बैठा दिया हूँ, फिटिंग कर दिया हूँ, सब लगा दिया हूँ। अब मेरे को डैशबोर्ड डालने का है, तो चलो फिर डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं डैशबोर्ड डाल दिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सब मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके जितना भी सॉकेट जो जो खोला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब सॉकेट खुल चुकी है सब। तो ये सब फिटिंग करके, इधर का भी देख लीजिए, सब फिटिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग मेरा डैशबोर्ड काफ़ी हद तक फिट कर चुका हूँ। ये यहाँ का कंसोल बॉक्स का पूरा सेटअप, पीछे ब्लोरी में जो डक्ट रे बैठता है वो फिटिंग कर दिया हूँ। तो चलो फाइनली मैं सब फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी मेरी फाइनली फिट हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, सब मैंने फिट कर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और गाड़ी अभी चालू पोजिशन में है, देख पा रहे गाड़ी चालू है और ए सी हमने चालू रखा है, फ्लैश ऑफ कर देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे एसी ऑन है अभी, एसी ऑफ एसी ऑन। और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.8 पे आ चुका है कूलिंग टेम्परेचर, यानी कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। और मैं इसका हीटर हाई कर रहा हूँ, रेटिंग टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हीटिंग हाई किया हीटर, और एसी चालू रखेंगे तो भी हीटिंग टेम्परेचर आना चाहिए। अगर एसी चालू करके हीटिंग टेम्परेचर आपका नहीं आ रहा है तो हीटर कॉइल में फॉल्ट है कुछ ना कुछ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है अपना, तो थोड़ी देर वीडियो होल्ड करता हूँ और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे 44 तक आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, और 45 अभी बढ़ रहा है, 60-70 तक आएगा इसका हीटिंग टेम्परेचर, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया। मैंने गैस भी पहले ही मार दिया था, गैस वगैरह चार्जिंग का प्रोसेसिंग आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इस वजह से नहीं बनाया हूँ, दिखाया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो सामने ला रहा हूँ ना दोस्तों, आपको सिर्फ दिखाने और समझाने और बताने के लिए ला रहा हूँ कि कौन सा फॉल्ट होता है, किस वजह से क्या होता है और क्या नहीं चल रहा है। और हीटर कॉइल का मैं आपको प्राइस बताना भूल गया था, हीटर कॉइल का प्राइस है आपका, दो मिनट
2500 से 2700 के बीच में आएगा आपका हीटर कॉइल, जो कि मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जो करेंगे ना, तो तभी मैं आगे अच्छी तरीके से नया वीडियो, लेटेस्ट वीडियो बना पाऊँगा, ताकि जो भी फॉल्ट आ रहा है वो सब चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आपके साथ कोई उल्टा सीधा नहीं कर सकता है, बस मेरा रीज़न यही है। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।